हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे उड़द दाल की सब्ज़ी जिसे हम कहते हैं करायल। तो ये मैंने 50 ग्राम दाल ली थी और इसे मैंने मिक्सी में अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। थोड़ा आप देर तक मिक्सी में चलाइएगा तो अच्छे से पिस जाएगी, बिल्कुल महीन। इसी के साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, एक चम्मच छोटा चम्मच हींग और एक चुटकी बेकिंग सोडा। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। देखिए, इसे मिक्स कर देंगे और इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें इसमें हल्का ही रखना है क्योंकि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो हम इसकी ग्रेवी में भी नमक ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी हल्का नमक डालिएगा। नमक ऐड कर लिया है और अब मैं इसे आप चला के इसको पानी में डाल के आपको दिखाती हूँ कि दाल को आपको किस हद तक आपको फेंटना है। तो देखिए, मैंने ये पानी में डाली है तो ये अपने आप तैर रही है, और अगर आपकी दाल पानी में नीचे बैठ जाती है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको अभी अपनी दाल को और विस्प करना है। तो चलिए, अब हम ले लेते हैं कढ़ाई में तेल और उसमें हम अपनी छोटी छोटी सी बॉल्स बना के डाल देते हैं। देखिए, मूरत की दाल है इसलिए हाथ में थोड़ा सा चिपकती है, या तो आप अपने हाथ में ऑयल लगा के उसकी पकौड़ियाँ इसमें कढ़ाई में डालें, नहीं तो आप हल्का सा पानी लगा लें, पर केयरफुली प्लीज़, क्योंकि पानी अगर आप हाथ में लेंगे तो थोड़ी सी छींटे ऊपर आने लगती हैं तेल की, तो आप तेल भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पकौड़ियाँ इसमें बना लेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, हमारी पकौड़ियाँ बन के हो गई हैं रेडी, और अब हमें जो है इसको सब्जी बनाने के लिए चाहिए प्याज, लहसुन और काली मिर्च, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से ये पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो आइए, अब हम एक कढ़ाई में गरम तेल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है जो कि गरम हो चुका है। अब इसमें मैंने हींग डाली है, इसी के साथ में हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, और जीरा ऐड करने के बाद में थोड़ा सा ये भुन जाएगा। जब चटकने लग जाएगा तो हमने जो प्याज, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट बना के रेडी किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है सब्ज़ी में मसाले को भूनना, मसाले को फ्राई करना। आप मसाले को जब अच्छे से पका लेंगे तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी में बस पका रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं बनती है। तो देखिए, मसाले को आप अच्छे से भूनिए और उसे तब तक भूनिए जब तक कि वो अपना ऑयल ना छोड़ने लगे। देखिए, ये मसाला पक के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बेसिक मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे भी हम आधे मिनट के लिए भूनेंगे, और इसको भूनने के बाद में फिर हम अपनी, मैंने इसमें थोड़ी सी दाल बचा ली थी जब पकौड़ियाँ बना रही थी, तो अब वो दाल हम इसमें ऐड करेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए। और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे जो दाल का ही पानी है, और अब हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि दाल है इसलिए बिना पानी के भूनती नहीं, कढ़ाई में चिपकने लग जाती है, तो इसे थोड़ा सा पानी डाल के ही भूनिएगा। तो देखिए, अब मसाला पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद में हम इसे करछुल से अच्छे से चलाएंगे ताकि ये जो मसाले के लंप दाल की वजह से बन गए हैं वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए और वो एक ग्रेवी की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो देखिए, ये मैं अच्छे से करछुल से ही इसको ऐसे चला देती हूँ ताकि पानी और मसाला एक में मिक्स हो जाए। अब ये बॉयल इसमें आने लग गया है, एक में मिक्स हो चुके हैं, और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप इसमें भी हल्का ही रखिए क्योंकि आपने पकौड़ी में भी नमक डाला है। इसी के साथ हम इसमें अपनी पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे, और पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा इस सब्ज़ी को नहीं पकाना है, क्योंकि हमारी जो पकौड़ी है, मैंने आपको जो दाल बताई थी कि आप पानी में डाल के देखेंगे तो वो अगर उस तरीके से बनाएंगे तो वो वैसे ही फ्लफी हो चुकी होगी, और अगर आप ज़्यादा बना देंगे तो ये बिल्कुल भी जो है पकौड़ी फूट जाएंगी। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से तड़का लगा देते हैं। उसके लिए हमें एक सूखी लाल मिर्च और राई चाहिए। तो ये देखिए, सब्जी रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर से हम लगाते हैं इसमें तड़का। अब ये तड़का हमारा लग चुका है। अब मैं आपको
दिखाती हूँ चम्मच से उठा के कि ये किस तरह से लग रही है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट लग रही है। आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी।